हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश यादव और आज मैं बात करने जा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप सक्सेस मंत्राज की। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। दोस्तों, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशंस के लिए वो भी दबा दीजिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग आखिर होती क्या है? आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पर मैं दो चार लाइनें बोल देता हूँ इसके बारे में भी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जो कि आपके नेटवर्क के द्वारा होती है। एक पर्सन स्टार्ट करता है, उसके बाद वो दो को बताता है, दो चार को बताते हैं, चार आठ को बताते हैं, आठ सोलह को बताते हैं और ये एक चेन रिएक्शन की तरह, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये न्यूक्लियर फिजन या चेन रिएक्शन की तरह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और एक दिन वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन जाता है। दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है, इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट या किसी और खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कई कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता चुनती हैं। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता था मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पर अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें सक्सेसफुल होने के क्या सक्सेस मंत्राज हैं, क्या हैं वो टॉप मंत्राज जिन्हें फॉलो करके आप सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर हो सकते हैं। सबसे पहले है ड्रीम्स। गाइस, ड्रीम्स आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू परस्यू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके पास सपने ही नहीं हैं तो आप अचीव क्या करेंगे? दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपके पास ये सपने ही नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर कभी नहीं बन सकते। इसलिए स्टार्ट ड्रीमिंग। जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, पहले उनको देखो, देखो वो कौन सी चीज़ हैं जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, पूरी करना चाहते हैं। और जब वो ड्रीम्स आपको मिल जाएं, तो दूसरा नंबर आता है आपकी कमिटमेंट का। दोस्तों, अगर आप सिर्फ सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कमिटमेंट करने की आप में जिगर नहीं है तो उन ड्रीम्स का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी कमिटमेंट 100% है उन सपनों के लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा फील्ड है वेयर यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स अगर आप कमिटेड हैं तो। उसके बाद अगर आपके पास ड्रीम्स भी हैं और आप कमिटेड भी हैं तो सबसे पहले एक नेम लिस्ट तैयार कीजिए। नेम लिस्ट से मेरा कहने का मतलब है कि आपके जितने भी जानकार या आप जितने भी लोगों को आसपास के जानते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए एंड दैट लिस्ट कुड बी समथिंग लाइक 300, 400 और थाउजेंड्स ऑफ नेम्स। आप जिसे थोड़ा भी जानते हैं उसका भी नाम उस लिस्ट में रखिए। दिस लिस्ट कुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज हॉट, वार्म एंड देन द कोल्डर वंस। दोस्तों, हॉट लिस्ट में आपके जो सबसे करीबी हैं, जैसे आपके क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, उनको रखिए हॉट लिस्ट में, जो कि आपके भरोसे पर कुछ भी कर सकते हैं उनका नाम रखिए आप अपनी हॉट लिस्ट पर। वार्म लिस्ट में आएंगे आपके वो फ्रेंड्स जिनसे आप अक्सर बातें करते हैं, काफ़ी बातें होती रहती हैं, कभी हफ्ते में, दो हफ्ते में, चार हफ्ते में, पर रेगुलरली आप उनसे बात करते रहते हैं, ऐसे लोगों के नाम रखिए वार्म लिस्ट में। और कोल्ड लिस्ट में उनको रखिए जिनसे आप जस्ट हाय हेलो या दूर से देखकर निकल जाते हैं स्माइल पास करके, उनके नाम भी डालिए, जैसे आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं या कोई आपके जिस टैक्सी में ट्रैवल करते हो वो भी हो सकते हैं, आपके थोड़े से दूर के नेबर हो सकते हैं या आपके ऐसे फ्रेंड जिनसे आपने सालों से बात ही नहीं की है वो भी हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी नेम लिस्ट तैयार करने की बात।
और उसके बाद आप शुरू कीजिए अपना प्रोसेस जिसमें कि आप इनवाइट करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट को। जब आपने वो फाइनलाइज कर ली लिस्ट, उसमें से चूज कीजिए कि मैं किसको पहले अप्रोच करूंगा, एंड देन इनवाइट दैट प्रोस्पेक्ट मे बी फॉर अ कॉफी और फॉर अ लंच। और जब आप उसको इनवाइट करें तो आप अपने प्लान के बारे में बात करेंगे। जब वो उस इनविटेशन पर आएगा, देन शो हिम द प्लान। सो हमारा अगला स्टेप होगा शो द प्लान, और वो प्लान होगा जिसके बारे में आप अपनी कंपनी, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उस कंपनी का प्लान बताएंगे। सो अब तक हमने बात की है ड्रीम्स की, कमिटमेंट्स की, नेम लिस्ट की, और इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट, एंड देन आफ्टर दैट शोइंग द प्लान टू दोज प्रोस्पेक्ट्स। और उस प्रोस्पेक्ट्स को आप ये देखेंगे कि वो प्रोस्पेक्ट कैसा है, किस एज ग्रुप का है, एंड बी प्रिसाइज। और मेरी माने तो आप ये कीजिए कि आप पेपर पेन लेकर ही अपना प्लान समझाइए। डोंट यूज द लैपटॉप अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी, और या फिर आप कोई वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हो दोस्तों, क्योंकि पेपर पेन से वो बंदा इजीली आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही बंदा है, और अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों जब आप प्लान दिखा चुके हो, उसके बाद नंबर आता है फॉलो अप का। और ये ध्यान रखिए कि यहां पर आप 48 आवर्स रूल को फॉलो कर रहे हो, कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद विद इन 48 आवर्स चेज करेंगे, फॉलो अप करेंगे, एंड आस्क अबाउट लाइक हाउ ही फील्स अबाउट द प्लान एंड इफ ही इज रेडी टू कमिट टू इट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे विद इन 48 आवर्स कॉन्टैक्ट करें और फॉलो अप करें, क्योंकि वो जब बाहर निकलेगा और जितना ज्यादा टाइम आप उसे देंगे, वो पता नहीं किस किस लोगों से बात करेगा, और उन लोगों से वो मोस्टली नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव फीडबैक जो उसने उन लोगों ने कहीं कहीं से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुने होंगे, जो कि किसी भी कंपनी के बारे में और कहीं भी कोई जनरलाइज थॉट्स, कोई जनरलाइज स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। सो डोंट गिव हिम टू मच ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट दोज अननेसेसरी अनवांटेड कमेंट्स फ्रॉम some people who he might not know properly even. So after this following up, just what you need to do is, and if he has signed in, so ab bas aankh band kar aap apne top line, aap apne uplines ko follow karein, because those guys are already successful. दोस्तों वो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस को करते हुए आए हैं, वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और अब तक उन्होंने काफी सक्सेस भी प्राप्त कर ली है। सो व्हाट्स द हार्म इन फॉलोइंग दोज गाइस? अब अपने रूल से तो सारी जिंदगी चले हैं, अब अपने अपलाइन को देखकर उसे फॉलो करें एंड डू एज ही सेज, और वट एवर ही हैज बीन डूइंग टू मेक इट सक्सेसफुल, जस्ट फॉलो हिज फुटस्टेप्स। सो ये हमारा पॉइंट है, फॉलो योर अपलाइन। तो दोस्तों अभी तक हम 7 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट इज ड्रीम्स, देन इज द कमिटमेंट्स यू आर मेकिंग, देन इट्स द नेम लिस्ट, एंड देन यू आर इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्ट्स, आफ्टर दैट यू आर शोइंग देम द प्लान, एंड आफ्टर शोइंग द प्लान यू आर फॉलोइंग देम अप यूजिंग द 48 आवर रूल, एंड आफ्टर दैट वंस इज इन He starts following the uplines. दोस्तों ये 7 पॉइंट जब हो जाते हैं, तब आप एक नेटवर्क मार्केटर बनकर तैयार हो जाते हैं। पर ऐसे नेटवर्क मार्केटर का क्या फायदा जो सिर्फ खुद ही तैयार हो? नेटवर्क मार्केटर से ही मतलब है कि वो अपना एक नेटवर्क तैयार करे। सो मेरा आखिरी पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डुप्लीकेट योर सेल्फ, कि जो भी आपने अभी तक सीखा है वैसा ही एक और बहुत सारे बंदे तैयार कीजिए। प्रिपेयर अदर्स, मेक डुप्लीकेट ऑफ दिस प्रोडक्ट व्हाट यू आर, सो दैट दे कैन आल्सो बिकम लाइक यू। और जब वो ऐसे बन जाएंगे, देन नॉट ओनली दे विल बेनिफिट,
यू विल ऑल्सो बेनिफिट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा ही है कि आप एक दूसरे की सक्सेस से जलते नहीं हैं, आप एक दूसरे की सक्सेस से और ग्रो करते हैं और एक दूसरे की सक्सेस से फायदा उठाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क मार्केटिंग। सो दोस्तों, यही थे मेरे 8 सक्सेस मंत्रास। सो लेट मी जस्ट रीट्रेट ऑल ऑफ देम। फर्स्ट इज ड्रीम्स, सपने देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज कमिटमेंट, कमिटमेंट इतनी दीजिए कि आप अपने सपनों को साकार करके ही रुकें। उसके बाद प्रिपेयर कीजिए नेम लिस्ट, जिसमें आप हॉट, वार्म और कॉल्ड कॉन्टैक्ट्स को रखेंगे, और उसके बाद आप इनवाइट करेंगे अपने टॉप प्रोस्पेक्ट्स को। वंस यू इनवाइट देम, देन शो देम द प्लान, और आफ्टर यू हैव शोड देम द प्लान, फॉलो देम अप विद इन 48 आवर्स। जब आप उन्हें फॉलो कर चुके हों और वो आ चुके हों आपके मार्केटिंग के अंदर, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग द अपलाइंस। जो उनके अपलाइंस हैं उन्हें फॉलो करें और उनकी तरह ही सक्सेसफुल बनने के लिए उनके फुटस्टेप्स पर चलें। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज डुप्लीकेट योरसेल्फ, अपने जैसे और बहुत सारे बंदे खड़े कर दें ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाए, एंड दैट विल बी योर की टू सक्सेस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।